सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील क्षेत्र का जिगनिहवा चेतिया होरीलालपुर मार्ग अपने हालात पर बदहाली के आंसू रो रहा है। आपको बताते चलें, करीब 7 सालों से टूटी सड़क का कोई निर्माण नहीं हुआ है। पूरी 11 किलोमीटर तक की सड़क बड़े बड़े व खतरनाक गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। पूर्व की सपा सरकार में इस सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हुआ था। सड़क बनने के 2 साल बाद ही सड़क का टूटना शुरू हो गया था। सरकार तो बदली पर सड़क के गड्ढे बढ़ते गए। वही जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में गड्ढों से मुक्त सड़कों का वादा पूरा किया जा रहा था, तो जनपद की ये सड़क गड्ढों में तब्दील होती जा रही थी। 5 साल बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारियों की नजर इस सड़क पर नहीं पड़ी। आलम ये हो गया कि गड्ढों वाली इस सड़क पर चलना आम लोगों के लिए मौत का सफर करने से कम नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं सहित आम जन लोग भी इसी सड़क पर चलने को मजबूर हैं। आए दिन इस सड़क पर लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं सड़क के बारे में स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं ग्राम पंचायत असिधवा के बढ़हरा गांव से हूं। यह जिगनिहवा से लेकर के होल्लापुर तक का 11 किलोमीटर सड़क है, जहाँ लगभग हजारों गड्ढे ऐसे हैं कि जो है उनके गहराइयों का अंदाज़ा भी नहीं है। चरपहिया वाहन, दोपहिया वाहन ये चलते हैं तो उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नाम मेरा रंजीत कुमार है, सिद्धार्थनगर जिले से हूँ। और ये सड़क तो आज काफ़ी दिनों से बहुत दिक्कतों का सामना है। ये जिगनिहवा से लेकर मधवापुर तक के इतनी बुरी हाल है इस रास्ते की। ये विद्यार्थी बच्चे लोग हैं, हम लोग सभी लोग मतलब आए दिन ये समझ लीजिए 3-4 महीने पर तो मोटरसाइकिल के टायर बदलवाने पड़ते हैं। जगह जगह पे ये समुंदर बन चुका है, गड्ढे बन चुके हैं। हो सके तो गवर्नमेंट मुझे मछली का बच्चा दे दे, मछली पालन कर ले, इसमें कम से कम आलू और सब्जी तो नहीं खरीदना पड़ेगा, वही मछली मार के हम लोग खाएंगे। क्या चाहते हैं आप? अब चाहते यही है कि मतलब गवर्नमेंट से हमारी मतलब एक उम्मीद रखते हैं कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवा दें, क्योंकि जो भी प्रतिनिधि आते हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, आकर के गोली देते हैं कि मैं सड़क जल्दी बनेगा, जल्दी जल्दी बन जाएगा। लेकिन सालों बीत जाने के बाद ना तो फिर कोई सांसद सकल दिखाता है, ना कोई विधायक सकल दिखाता है। अब बताइए, अगर सांसद और विधायक इस तरीके से मुंह मोड़ लेंगे तो इस सड़क का निर्माण कौन करेगा? ये जो सड़क जिसकी बात कर रहे हैं वो PMGSY की सड़क थी, और PMGSY में जो मेंटेनेंस का कार्य रहता है उसी कॉन्ट्रेक्टर को रहता है जो बनाने का कार्य करते हैं, परंतु ये कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया था, जिसके कारण से उनका जो अर्नेस्ट मनी है वो भी जब्त किया गया था। और उसके बाद फिर इसका अभी हम लोग कोशिश यह कह रहे हैं कि ये जो सड़क है ये PWD को ट्रांसफ़र हो जाए और PWD इसकी देखभाल करे। तो ये प्रस्ताव हम लोग के द्वारा भेजा हुआ है और हम लोग लगातार बात भी कर रहे हैं। जैसे ही अगर ये स्वीकृत हो जाता है शासन स्तर पे, तो इसे हमारे चौड़ीकरण का भी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि चौड़ीकरण के नाम पर इसका कुछ अगर राशि उपलब्ध हो जाती है तो पूरी सड़क ठीक करा दी जाए। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेलवेयर एसोसिएशन सिद्धार्थनगर की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर।